इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ यहाँ पर समय दिखाया जाता है 1997 का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पानी में 3821 मीटर नीचे गहराई में डूब जाता है कि वहाँ पर जो जहाज़ होता है वो अपने इस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। शोधकर्ताओं के अनुसार ये बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब 15 अप्रैल 1962 को ये जहाज़ डूबा था तो इसके साथ काफ़ी कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशन, वो भी कहीं दफन हो गया था और उसी हीरे की तलाश के लिए ये सभी काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी मिलती भी है। इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे ये वापस अपनी बोट पर लेकर आते हैं। उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं और सोचते हैं कि वो हीरा इसी तिजोरी में होगा, मगर वहाँ पर वो हीरा नहीं होता है। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में एक लड़की थी और साथ उसके नीचे डेट थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही वक्त था जिसके एक दिन पहले इस हीरे को आखिरी बार इस लड़की के गले में देखा गया था। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी और इसके बाद में सभी न्यूज़ चैनल्स में ये खबर दिखाई जा रही होती है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज़ को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ में अपनी एक नई जिंदगी। कैप्टन उससे पूछता है कि आप उसके बारे में कुछ जानती हैं, तो वो कहती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। और इसके बाद वहाँ से कुछ हेलीकॉप्टर की मदद से उनके शिप पर ले जाया जाता है। यहाँ पर शोधकर्ता उन्हें बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1962 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, वो पानी में डूब गया। वहाँ पर रूज डॉसन को उसके 3D मॉडलिंग भी दिखाई जाती है, मगर मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैं उस वक्त महसूस किया था। तो कैप्टन कहता है क्या वो बातें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से कहानी इसके फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहां पर हमें दिखाई जाती है रोज़ की फैमिली। वो अपनी मॉम के साथ साउथहैम्पटन के न्यूयॉर्क के लिए निकले होते हैं, जिनमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल हैं जिनका नाम है क्लेडन। ये लोग काफ़ी अमीर घराने से आए थे और साथ ही इस शिप पर थर्ड क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास के मीडियम लोग और थर्ड की इतने दर्जे के वो गरीब लोग जो कि महंगी टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है और जुए में बाजी लगी होती है। टाइटैनिक की टिकट जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्त के साथ शिप पर चला जाता है। रोज़, जिसे कि आर्ट का काफ़ी शौक था, वो अपने कमरे में काफ़ी एंटीक पेंटिंग्स और साथ ऐसे कई नमूने रखा करती थी जो कि काफ़ी हिस्टोरिक होते थे। तो वहाँ पर क्लेडन उसे कहते हैं कि पुरानी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत होती हैं, मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। पर टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि न्यूयॉर्क ये हमें काफी कम समय में पहुंचा देगा। तो वही कैप्टन उसे अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहां पर ये शिपनी 21 नोट की हाई स्पीड पर चलने लगती है। पानी की लहरों को काटते हुए सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऐसा अमीर परिवार दिखाया जाता है जिसे अपने और अपने दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर वक्त पार्टीज में जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है और अच्छे कपड़े पहनकर तहजीब के साथ लोगों से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर काफी वक्त बीत चुका था जब उसे अपनी जिंदगी को खो दिया था और वो खुद जीना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी इन सभी रीति रिवाजों को फॉलो करना, इसीलिए वहाँ से पार्टी छोड़कर भाग जाती है और सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूँ, क्योंकि अगर आज़ादी जिंदगी नहीं है
तो फिर जीने का क्या मकसद है। और वो वहाँ से उस जहाज की सबसे एंड पॉइंट पर पहुंचकर वहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। मगर तभी वहाँ पर जैक पहुंच जाता है और रोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा, और तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही वेस्ट मत करो। और अब जैक की बातों पर विश्वास करके रोज उसका हाथ थामती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वो गुड़ने वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बचाकर वापस से शिप पर आ जाता है। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले और क्लेडन भी पहुंच जाते हैं। तो क्लेडन ये बात सोचता है कि यहाँ पर जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मगर रोज कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर इस पूरे शिप को देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर डोजन ने बचाया है। तो वहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि मिस्टर डोजन ने रोज की जान बचाई है, तो कम से कम इसे बख्शीश तो मिलनी चाहिए। वहाँ क्लेडन कहते हैं कि ठीक है, वो उसे 20 रुपए देता है। रोज उससे कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे जान बचाने के बदले सिर्फ 20 रुपए हैं, क्या मेरी कीमत इतनी ही है। तो वो क्लेडन आकर कहता है कि कल शाम का खाना आप हमारे साथ में रख। वहीं पर सीन शूट होता है। अगले दिन मॉर्निंग में जहाँ पर अब रोज और जैक की मुलाकात अगेन होती है और ये दोनों अपनी बातचीत करने लगते हैं, तो रोज उनसे पूछती है कि आखिर तुम हो कहाँ से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। तो जैक बताता है कि मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, जहाँ पर छत मिलती है वहीं पर रहने के लिए बस जाता हूँ। उसके पास उसकी ड्राइंग बुक भी होती है। तो रोज कहती है कि क्या मुझे तुम कुछ दिखा सकते हो, और जब उसे खोल कर देखा तो उसमें से काफी सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मिलती हैं। तब वहाँ जैक बताता है कि पेंटिंग्स में लड़कियों को भी न्यू चॉइस ड्राइंग करवाना काफी अच्छा लगता है, ये एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इसी के साथ समय का वक्त हो चला जहाँ पर जैक तैयार होकर और फर्स्ट क्लास के अंदर डिनर पार्टीज के लिए होता है। तो यहाँ पर क्लेडन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास का है, ना ही खुद कोई व्यापार है और ना ही कोई बड़ी सी कंपनी। तो इसके जवाब में जैक उससे कहता है कि कल तक मैं फुटपाथ पर था और आज आप सभी के बीच में बैठकर डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसीलिए इसका हर दिन जी भरकर जीना चाहिए, हर एक पल महसूस करना चाहिए, इसी जिंदगी ने हमें दिया है। इसकी इन बातों को सुनकर मौजूद सभी लोग जैक से काफी खुश होते हैं, मगर उसकी मॉम को ये बात पसंद नहीं आती और इस वजह से जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। मगर जाने के पहले वो रोज के हाथ में एक चिट पकड़ा जाता है और कहता है कि मुझे 9 बजे आकर सीढ़ियों के ऊपर मिलना। और ठीक 9 बजे यहाँ पर रोज पहुँच जाती है। वहाँ पर जैक उसे बताता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी तहजीबदार पार्टीज का मुझे शौक नहीं है, मुझे तो मेरी टाइम की पार्टीज पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों अपने तीसरे दर्जे यानी कि थर्ड क्लास में पहुंचकर काफी इंजॉय करने लगते हैं, खूब सारी शराब पीते हैं, काफी सारा डांस करते हैं, उन पलों को इंजॉय करने लगते हैं जो कि किस्मत ने दिए थे। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है। वहीं पर क्लेडन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। वहीं पर शाम को उसकी माँ उसके पास में जाकर ये कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, हमारा नाम जो कि काफी इज्जतदार लोगों में था सिर्फ वही बचा हमारे पास में, अगर तुम क्लेडन से शादी नहीं करोगी तो हम जमीन पर आ जाएंगे। तो रोज कहती है त्याग मैं क्यों करूं, आप काफी स्वार्थी हैं। तो उसकी माँ कहती है तुम भी तो स्वार्थी थी जिसे मेरी परवाह नहीं है। इस वजह से रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जाते और वो क्लेडन के साथ शादी करने से तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जैक उसके पीछे आकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो रोज उसे बुरा भला कह के भगा रही थी और कहती है मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मेरी शादी क्लेडन के साथ तय हो चुकी है और मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल सकता। अब ये बात सुनकर जैक काफी नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो चुका है और वो जैक के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसीलिए वो उससे मिलने उसके पास पहुँचती है, जहाँ पर जैक इस शिप के सबसे टॉप पॉइंट पर यानी कि सबसे आगे खड़ा था
और वहां पर रोज भी पहुंच जाती है। और इसी के साथ हमें इस कहानी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों अपनी बाहें फैलाए पूरे शिप के सबसे आगे खड़े होते हैं। मूवी से जुड़ा ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। आप भी मुझे कमेंट करके अपने फेवरेट सीन जरूर बताइए। रोज इन खुशी के पलों को कैद कर देना चाहती थी, इसीलिए वो अक्सर कहती थी कि जो पेंटिंग तुमने उस पेरिस वाली लड़कियों की बनाई थी, सेम टू सेम वैसी मेरी भी पेंटिंग बना सकते हो, मैं हीरा पहनना चाहती हूँ। जैक कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज कहती है मैं सिर्फ हीरा पहनना चाहती हूँ और इसी के साथ अपनी ड्राइंग करवाना चाहती हूँ। और इसी के साथ एक और आइकॉनिक मोमेंट पूरी मूवी का, जहाँ पर जैक शर्माता हुआ रोज की पेंटिंग बनाने लगता है और इसी के साथ पेंटिंग पर डाल दी जाती है 14 अप्रैल 1962। इस पेंटिंग के खत्म हो जाने के बाद रोज अपना हीरा उतार कर जैक को कहती कि उसे तिजोरी में रख देना। और जब जैक उस हीरे को रखने के लिए उस तिजोरी तक पहुंचता है तो वो गलती से अपनी ड्राइंग उसी में रख देता है। और तभी वहां पर किसी के आने की आहट आती है। क्लेडन का ही आदमी होता है और उसके बचने के लिए अभी दोनों वहां से भागते हैं। ये पूरी शिप के अंदर भागते हैं उस इंसान से बचने के लिए। फाइनली यहां पर सारी की सारी डाक यानी कि ट्रांसफर करने वाले सामान रखे जाते हैं। वहां एक कार भी खड़ी होती है और अभी दोनों उस कार में चले जाते हैं। और फर्स्ट टाइम यहां पर इन दोनों का एक इंटीमेट सीन होता है। इस वक्त तक दोनों की दूरियां अब काफी करीबियों में बदल चुकी होती हैं। ये दोनों अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय करने के लिए वापस से शिप के सबसे टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यहां पर ऊपर खड़े चौकीदार उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच उनके सामने काफी बड़ी चट्टान आ जाती है जो कि बर्फ की होती है। इस वक्त तक उन लोगों का ध्यान नहीं होता है, मगर जैसे ही वो अपने सामने का चट्टान को देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाकर बाकी सभी नागरिकों को कहते हैं कि शिप को मोड़ दो, क्योंकि अगर हम सामने गए तो हम चट्टान से टकरा जाएंगे। और सभी पायलटन मिलकर शिप की रफ्तार को कम कर देते हैं और उससे बाईं ओर घूमने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी जान लगा देने के बावजूद भी टाइटैनिक शिप का एक निचला हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से टकरा जाता है और इसी वजह से टाइटैनिक के नीचे की पोशाक पानी भरने लगता है। तभी वहां पर शिप के सारे बड़े बड़े कैप्टन पहुंच जाते हैं और इसी के साथ वहां का ब्लूप्रिंट खोलकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में कितना टाइम है हम इस शिप को रिपेयर करने के सभी लोगों की जान बचा सकें। मगर तभी एंड्रयूज, जिसने ये पूरी शिप बनाई होती है, वो कहता है कि ये सिर्फ लोहे से बना है और हमारे पास कुछ ही समय है इसमें से पानी निकालने का, मगर समय काफी नहीं होगा क्योंकि इस शिप में काफी तेज गति से पानी भर रहा है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आकर क्लेडन को बताता है कि जैक रोज के साथ में था, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। क्लेडन पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है कि मेरी तिजोरी में से एक हीरा गायब है, इसीलिए जैक और रोज को बुलाया जाता है। जैसे ही वो दोनों उसके सामने आते हैं तो क्लेडन का आदमी जैक की पॉकेट में हीरा डाल देता है। इस वजह से पुलिस जैक को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। अब एक तरफ से पूरी शिप डूबने की कगार पर आ चुकी थी। वहीं पर जैक के हाथ बांध दिए जाते हैं। एक ऑफिस में पूरी शिप में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई वहां अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। ये शिप के अंदर काफ़ी सारी बोट्स पड़ी होती हैं जिसके अंदर 65 लोग तक बैठने की जगह होती है, जिसे ऑलरेडी 70 आदमी के वजन से तोला गया है। इसमें 65 लोग तो आराम से बैठ सकते थे, मगर फिर भी पहले दर्जे के लोग जो कि काफ़ी अमीर हुआ करते थे, उनकी वजह से उन बोट्स को 12 या फिर 20 लोगों के साथ उतार दिया गया था। इस वक्त कैप्टन के आदेश के अनुसार वहां पर बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को शिप में आगे भेज दिया जाए, मर्दों को बाद में भी बचाया जा सकता है। और एक तरफ तो क्लेडन रोज को लेकर अपने साथ बोट में बैठने की बात करता है, मगर रोज उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ। वहाँ से जैक को बचाने के लिए वापस आती है, मगर जब वो देखती है तो उसके हाथ में हथकड़ी बंधी होती है। वो ऊपर लोगों से काफी मदद मांगती है, मगर उस वक्त
तक सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो वापस से आकर कुल्हाड़ी की मदद से उसकी हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली इसमें ये दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। मगर जब तक की टॉप फ्लोर तक पहुँचते हैं, यहाँ तब तक पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका होता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। इस जहाज की कुछ म्यूजिशियन, जिन्हें चल चुका था कि मेरा आखिरी वक्त है, पहले तो वो कई देर तक लोगों के मनोरंजन और शांति के लिए म्यूजिक बजाते हैं, मगर जब उनकी बारी आती है जाने की और वहाँ से जान बचाने की, वो कहते हैं कि म्यूजिक मेरी जान है और म्यूजिक जहाँ से उसे देख बाकी सभी फ्रेंड्स उसके साथ में आ जाते हैं। अब देखते ही देखते ये जहाज दो टुकड़ों में बट जाता है। एक तरफ तो सारे लोग को जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस पूरी शिप के टॉप पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें जैक और रोज भी होते हैं। धीरे धीरे करके ये विशाल का शिप पानी की ओर जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब लोग डूब जाते हैं, मगर वहाँ पर एक लकड़ी का डोर पड़ा होता है जिसकी मदद से यहाँ पर रोज की जान जैक बचा लेता है। ठंडे पानी की वजह से हर कोई अपनी जान गंवा जाता है। कैप्टन ने जब आर्टिक पॉइंट पर बात करी थी कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन लोगों ने कहा था कि मदद अगली सुबह तक आ पाएगी और इसी वजह से उसके पास में इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ ठंडे इसकी वजह से हर कोई बर्फ में जमता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हमारे साथ परिवार वालों की जान बचा पाए। बोट्स को चलाने वाले सेलर्स बाकी सभी बोट्स को मिलकर औरतों और बच्चों को सभी को एक बोट में डालते हैं और बाद में एक बोट आती है बाकी के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। सेवर मिलकर बाकी मरे हुए लोगों के पास जाकर देखते हैं क्या अभी किसी में जान बची है। दिखाया जाता है जैक और रोज, जहाँ पर जैक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। रोज से कहती है कि मदद आ चुकी है, वो सभी सेवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारी जान बच सकती है, मगर इस वक्त तक उन्हें काफी देर हो चुकी होती है। जैक की जान चली जाती है उस बर्फ की वजह से और वह आखिरी अलविदा भी नहीं कर पाता रोज को, और वहीं पर पानी में डूबकर उसकी जान चली जाती है। इतनी ठंड की वजह से रोज कुछ कह भी नहीं पाती। क्या आपको हमारी मदद चाहिए? मगर वहां से जाने लगता है तो रोज पीछे से चिल्लाती है, कम बैक। मगर गले में ताकत ना होने की वजह से वो नहीं बोल पाती। उसे काफी दूर पहुंचती है तभी वो रोज को अपने पास एक आदमी के गले में एक सीटी दिखती है और उसे जोर जोर से बचाने लगती है। और जब लोग उसकी सीटी की आवाज सुनते हैं तो वो सभी उसे बचाने के लिए उसके पास आजाद। यहाँ पर अगले दिन सभी लोग अपनी जान को बचाते हुए न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच चुके होते हैं। क्लेडन रोज को ढूंढता है, मगर इस वक्त तक रोज ने अपना नाम चेंज कर लिया है, रोज विंसेंट से रोज डॉसन रख लिया होता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ शिप कैप्टन उनकी पोती से बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ ओशन के एंड पॉइंट पर पहुंच जाती है। उन शोधकर्ताओं के द्वारा उसने पता चलता है कि लोग आज भी पानी के में इस हीरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली रोज उस हीरे को उस पानी में डालकर अपने आप को उन यादों से मुक्त कर देती है। तो जैक से मिलने के बाद रोज अपनी जिंदगी की अहमियत के बारे में पता चलता है, उसके जीवन की क्या कीमत है उसे तभी पता चलता है। इसीलिए रोज ने पूरी दुनिया का सफर किया है और हर एक पल को एंजॉय किया है, जो कि जिंदगी को जीने के लिए काफी था। और जब उसका आखिरी मोमेंट था तो इसी के साथ वो अपनी इस दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, इस दुनिया की जहां पर टाइटैनिक आज भी जिंदा है, और वो दुनिया जहां आज भी 1500 लोग जिंदा थे जो कि उस मोमेंट पर मरे थे। और वो वही रात 9 बजे थे जहां जैक ने रोज का इंतज़ार किया था उन्हीं सीढ़ियों पर। इसी के साथ ही मास्टरपीस मूवी यहां पर ख़त्म होती है। हर वक्त मूवी एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपसे उसका रिव्यू मांगती हूं, लेकिन ये मूवी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी कि आपको मूवी कैसी लगी, आपको जैसा महसूस हुआ आप बस कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। बस थैंक यू ये स्टोरी सुनने के लिए, और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। रिव्यू आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी इतनी जादुई है कि इसके बारे में रिव्यूज़ मांगना तो गलत बात है, इसके रिव्यूज़ तो खुद ही आने चाहिए।